बिग बॉस में किसी ना किसी के बीच किसी ना किसी के कारण झगड़ा तो होते ही रहता है और अब नया झगड़ा शुरू हो गया है शमिता सेठी और दिव्या अग्रवाल के बीच में। वेल, किन बातों के लिए हुआ है इन दोनों के बीच में झगड़ा और साथ ही साथ क्या है ये पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि पंचायत टास्क को लेकर दो टीम में डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि मूस चटाना और निशांत भट्ट ये कहते हैं कि घर का सबसे कमजोर कनेक्शन है नेहा बसीन और साथ ही साथ मिलिंद गावा, ये कनेक्शन सबसे कमजोर है। लेकिन राकेश वापत और शमिता सेट्टी ये कहते नजर आती हैं कि घर के सबसे कमजोर कनेक्शन में आते हैं प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह। दोनों ही टीम के जो डिसीजंस होते हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, जिससे कि शमिता सेट्टी को निशांत भट्ट ये कहते भी नजर आते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेती हैं कभी भी आप दिव्या अग्रवाल से नहीं पूछती हैं। वहीं पर दिव्या अग्रवाल से शमिता सेट्टी पूछने चली गई कि क्या कल जो मैंने डिसीजन लिया था आपसे नहीं पूछा था, और दिव्या अग्रवाल सबके सामने ये कहती नजर आती हैं कि नहीं, आप तीनों ही सब कुछ मिलकर डिसाइड कर लेते हो, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। और इसी बात पर फिर क्या शमिता सेट्टी और दिव्या अग्रवाल के बीच में जंग छिड़ गई। जी हाँ, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही चिल्लाया, बहुत ही घटिया घटिया बातें कही एक दूसरे के लिए, साथ ही साथ दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से कई इल्जाम भी लगाए। कुछ ये भी बोला कि तुम मेरे बारे में ये बोलती हो, दिव्या अग्रवाल ने बोला तुम मेरे बारे में ये बोलती हो, दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई हो गई। वेल, आपको क्या लगता है कि शमिता सेट्टी और दिव्या अग्रवाल की जो फ्रेंडशिप थी वो बिग बॉस OTT के शुरुआती एपिसोड से तो काफी अच्छी दिख रही थी, लेकिन आखिरकार अब जो उन दोनों के बीच में हो रहा है इसके पीछे है कौन आखिर? वेल, आपको अंदाजा है कि इसके पीछे कौन से कंटेस्टेंट है या फिर कौन सी जोड़ी है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल नहीं भूले। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।